स्वागत है एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल ट्रेवल डिलाइट्स में। दोस्तों मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं ये है रानी कमलापति रेलवे स्टेशन, और दोस्तों ये देश का पहला प्राइवेट रेलवे स्टेशन है। और आपको भी ये प्राइवेट रेलवे स्टेशन जो है कैसा है ये बताता हूँ, क्योंकि इसकी लागत जो है करीब 450 करोड़ की लागत से बना है, और इसको जो प्राइवेट दिया हुआ है बंसल ग्रुप ऑफ कंपनीज जो है वो मेंटेन कर रही है। चलो चलते हैं स्टेशन के अंदर और देखते हैं कैसा है ये प्राइवेट रेलवे स्टेशन और क्या क्या है फैसिलिटीज रेलवे स्टेशन के अंदर। 2013 रानी कमलापति जबलपुर वंदे भारत एक्सप्रेस कुछ ही समय में प्लेटफॉर्म क्रमांक 1 से चलने को तैयार है। हम आपकी सफल सुखद एवं मंगलमय यात्रा की कामना करते हैं। तो आइए मेरे साथ देखते हैं नया रानी कमलापति रेलवे स्टेशन। सामने जो बिल्डिंग आप देख रहे हैं ये खूबसूरत बिल्डिंग पुराने रेलवे स्टेशन की है, जिसका नाम कभी हबीबगंज रेलवे स्टेशन हुआ करता था। और बाजू में ये नई बिल्डिंग जो नजर आ रही है ये हमारा है नया रानी कमलापति रेलवे स्टेशन की बिल्डिंग। आप देखेंगे कि यहां विशाल पार्किंग की व्यवस्था है, एक साथ 300 कारें और 800 टू व्हीलर्स पार्क किए जा सकते हैं। भोपाल के रानी कमलापति रेलवे स्टेशन के प्रवेश द्वार पर ही लगी हुई है भोपाल की गोंड रानी की एक तस्वीर, और उन्हीं के नाम पर यह स्टेशन का नाम भी है और उनका दिया गया है संक्षिप्त जीवन परिचय। सुरक्षा जांच कराकर जैसे ही आप अंदर की ओर जाते हैं तो सामने एक नजर आता है बड़ा सा LED डिस्प्ले, जिस पर यह डिस्प्ले किया हुआ है कि इस स्टेशन में कौन सी चीज कहां पर है और इस स्टेशन पर आने वाली ट्रेन की जानकारी। स्टेशन बिल्डिंग में अंदर जाते ही पहला नजारा इतना खूबसूरत नजर आता है, ऐसा लगता है जैसे किसी खूबसूरत मॉल में हमने एंट्री ले ली हो। और रूम का इंटीरियर बहुत ही खूबसूरती से किया गया है, दोनों साइड खूबसूरत पेंटिंग लगी है। एक पल को तो आपको ऐसा लगेगा जैसे किसी 5-स्टार होटल के रिसेप्शन में आप खड़े हो। अंदर की तरफ जाते ही लेफ्ट साइड में ही रेलवे स्टेशन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा यानी टिकट काउंटर आपको नजर आएगा। यहां से आप प्लेटफॉर्म टिकट, रिटायरिंग रूम की बुकिंग, पूछताछ और करंट बुकिंग, जनरल टिकट आदि ले सकते हैं। और यहीं से आप फर्स्ट फ्लोर पर जा सकते हैं दोनों साइड से। दोनों साइड में आप देखेंगे तो सीढ़ियां भी हैं और एस्केलेटर्स भी लगे हुए हैं। आप इसकी मदद से जैसे ही फर्स्ट फ्लोर पर जाते हैं तो फर्स्ट फ्लोर लेफ्ट साइड से आप जाएंगे तो आपको जायका रेस्टोरेंट मिलेगा, जिसमें आप चाय कॉफी नाश्ता कर सकते हैं और खाना भी खा सकते हैं। खाने के रेट यहां सामने दिए हुए हैं। इसी जायका रेस्टोरेंट के बाजू में ही है MP टूरिज्म का ऑफिस। ऑफिस में जाकर आप पूछताछ कर सकते हैं और MP में दूसरी और दर्शनीय स्थल जो है उनके बारे में जानकारी ले सकते हैं। यहां पर बहुत सारे लीफलेट्स भी रखे हुए हैं, वे भी आप उनको देख सकते हैं और उनके अकॉर्डिंगली आप प्लान बना सकते हैं। यदि आप राइट साइड से ऊपर फर्स्ट फ्लोर पर आते हैं तो सामने ही आपको नजर आएगा एक काउंटर, जहां से आप अपने लिए रिटायरिंग रूम या डॉर्मेट्री बुक कर सकते हैं। और इस बोर्ड पर इसके रेट्स भी लिखे हुए हैं और कॉन्टैक्ट नंबर भी आपको दिया हुआ है, आप चाहे तो इसे ऑनलाइन भी बुक करवा सकते हैं। ये जो आप देख रहे हैं ये 21 बेड वाला मेल डॉर्मेट्री है, जहां आप 24 घंटे के लिए ₹800 में इसे बुक कर सकते हैं। आप चाहे तो 12 घंटे या 6 घंटे के स्लॉट में भी इसे बुक कर सकते हैं, और ये काफी साफ सुथरा है। दोस्तों रानी कमलापति रेलवे स्टेशन पर आपको रिटायरिंग रूम, AC रिटायरिंग रूम की सुविधा भी मिल जाएगी। ऐसे 9 रिटायरिंग रूम यहां बने हुए हैं जिनका 24 घंटे का किराया ₹1500 है, और यदि आप 12 घंटे के लिए लेना चाहते हैं तो आपको ₹800 पे करने पड़ेंगे। रिटायरिंग रूम काफी खूबसूरत है और इसमें 2 लोगों के लिए सफिशियंट जगह है, 2 कॉट दिए हुए हैं, बाथरूम भी साफ सुथरा है इसका। जल्दी ही स्टेशन पर फार्मेसी और कॉस्मेटिक्स का शॉप भी यहां खुल जाएगी,
तो मेडिकल्स की दवाइयाँ वगैरह जो है आपको यहाँ मिल जाएगी, और बाजू में ही स्पा एंड सैलून के लिए भी जगह दी गई है, ये भी ऑपरेशन में आ जाएगा, तो आप यहाँ स्पा करा सकते हैं और सैलून की फैसिलिटी भी यहाँ पर ले सकते हैं। आइए देखते हैं स्टेशन की वो खास जगह जो स्टेशन के ऊपरी हिस्से में है। फर्स्ट फ्लोर से जैसे ही हम सेकंड फ्लोर पर जाते हैं तो सामने ही नजर आता है चमचमाता हुआ एक बड़ा सा हॉल, और लगता है जैसे हम किसी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर आ गए हैं। सामने ही एमपी टूरिज्म द्वारा लगाई गई भगवान बुद्ध की एक मनमोहक मूर्ति है, और इस बड़े हॉल में आपको हर वह सुविधा मिलेगी जो एक एयरपोर्ट पर होती है। यहां पर खाने पीने के एक से बढ़कर एक स्टॉल लगे हुए हैं जिसमें आप अपनी मनपसंद खाने का आनंद ले सकते हैं, और हर स्टॉल के सामने फिक्स किए गए रेट को दर्शाया गया है। इस बड़े हॉल में 800 से भी अधिक कुर्सियां लगाई गई हैं, जहां बैठकर यात्री अपने ट्रेन का इंतजार कर सकते हैं। ऊपरी हिस्से से ही नीचे का प्लेटफॉर्म का जो दृश्य है बहुत खूबसूरत नजर आता है। इस ऊपरी हिस्से से आप सीढ़ियों के द्वारा, एस्केलेटर के द्वारा और साथ साथ लिफ्ट की भी व्यवस्था यहां पर दी गई है, जिससे आप डायरेक्ट प्लेटफॉर्म पर जा सकते हैं। ये जो देख रहे हैं आप, ये आपको 2 और 3 नंबर प्लेटफॉर्म पर लेकर जाएगी, और सामने जो लिफ्ट लगी है वो आपको 4 और 5 नंबर के प्लेटफॉर्म पर लेकर जाएगी। यहां पर दोस्तों यदि आपके साथ में बच्चे हैं तो उनके मनोरंजन का भी ध्यान रखा गया है। एक जॉय ट्रेन की फैसिलिटी यहां पर अवेलेबल है जो 50 रुपए लेके बच्चों को 2 राउंड लगाती है। यहां पर एटीएम की भी फैसिलिटी दी गई है, यदि आपको कैश की जरूरत है तो आपको बाहर जाने की जरूरत नहीं है, यहीं से आप कैश विड्रॉ कर सकते हैं। यहीं सेकंड फ्लोर पर टॉयलेट्स बने हुए हैं, ये सामने नजर आ रहा है महिलाओं का टॉयलेट है, सामने दिव्यांगों का टॉयलेट है, और ये नल जो आप देख रहे हैं इसमें पीने के पानी की व्यवस्था की गई है यहाँ पर। आइए देखते हैं कैसी साफ सफाई है अंदर। टॉयलेट्स तो ऐसे साफ सफाई अच्छी लग रही है यहाँ पर, और अच्छे से मेंटेन किया है अभी तो अच्छा है। अगर टॉयलेट ऐसे ही साफ सुथरे हमें हर स्टेशन पर मिल जाएं तो बहुत अच्छी बात है। हमने ट्रेन के टॉयलेट जनरली देखे हुए हैं और दूसरे स्टेशन के भी टॉयलेट्स देखे हैं। ये हमारे सामने जो है ये यहाँ के सफाई सेवक है जो अपना कार्य तो अच्छा बाखूबी निभा रहे हैं, भविष्य में भी ऐसा कार्य करते रहेंगे, अभी तो काफ़ी स्माइल देके अच्छा काम कर रहे हैं ये। और टॉयलेट के बाजू में ही बना है महिलाओं और पुरुषों के लिए अलग अलग एसी वेटिंग रूम, यहाँ बैठकर ट्रेन का इंतजार कर सकते हैं आप। और सामने डिस्प्ले भी लगा हुआ है जिसमें देखकर आपको अपनी ट्रेन की जानकारी निरंतर मिलती रहेगी। यहाँ पर टोटल 5 प्लेटफॉर्म हैं, और 5ों प्लेटफॉर्म पर जाने के लिए आपको स्वचालित सीढ़ियाँ मिल जाएगी, सीढ़ियाँ बनी हुई है, स्वचालित रैंप भी है और लिफ्ट की भी सुविधा है। चलिए चलते हैं प्लेटफॉर्म पर और देखते हैं प्लेटफॉर्म की साफ सफाई का क्या है नज़ारा। इस तरीके से हम आ चुके हैं प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर, और इस समय दोस्तों यहां पर खड़ी हुई है वंदे भारत ट्रेन जो यहां से जाने वाली है जबलपुर के लिए। जितना खूबसूरत रेलवे स्टेशन है, जितना साफ सुथरा रेलवे स्टेशन है, उतनी ही खूबसूरत हमारी वंदे भारत ट्रेन है। स्टेशन पर पीने के पानी की व्यवस्था भी की गई है, यहाँ पे आप कृपया ध्यान दीजिए
पानी वगैरह पी सकते हैं आप। स्टेशन परिसर के अलावा जो ट्रैक जो है, प्लेटफॉर्म जो है, उनकी भी साफ सफाई का यहाँ विशेष ध्यान रखा गया है। आप देखेंगे ये ट्रैक कितना खूबसूरत नजर आता है और एकदम साफ सुथरा है। यहाँ पर एक फैसिलिटी आपको और मिलती है, यदि आप चाहते हैं एक प्लेटफॉर्म दूसरे प्लेटफॉर्म जाना तो भूमिगत यानी कि सबवे की व्यवस्था भी यहाँ पर है, आप उसके द्वारा भी एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म पर जा सकते हैं। रानी कमलापति रेलवे स्टेशन के बैक साइड यानी कि प्लेटफॉर्म नंबर 5 के बाहर भी जो एरिया जो स्टेशन का है वो भी काफी खूबसूरत है और वहां पर भी काफी पार्किंग की व्यवस्था है। दोस्तों, इस वीडियो में मैंने रानी कमलापति रेलवे स्टेशन के बारे में जो जानकारी दी है, आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और यदि आपने अभी तक मेरे चैनल ट्रेवल डिलाइट सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें, क्योंकि यह प्रक्रिया एकदम आसान और निःशुल्क है। तो दोस्तों, मिलते हैं दूसरे नए वीडियो में, तब तक अपना व अपने प्रियजनों का ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत।